हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और बस आज है मंगलवार और मैं सो के उठ गई हूँ, तो बस यहाँ पे मैंने दूध गर्म कर ले रही हूँ, उसको चाय बनाना है। और क्योंकि सो के उठने के बाद ना मैक्स मतलब मुझे चाय चाहिए ही होती है, तो बस यहाँ पे मैं चाय चढ़ा दूँ। बाबू को भी ड्यूटी जाना है तो फिर हम लोग भी पी लेंगे, और मासी के लिए मैं एक्स्ट्रा चाय बना देती हूँ, मासी भी पीती है। सो बस यहाँ पे हो गए हैं काम, आ गई है मासी हमारी काम करने के लिए। सो अभी तो फिलहाल हम पोछा वोछा नहीं लगवा रहे हैं क्योंकि इतना घर ज़्यादा गंदा है ना, पोछा लगाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि आप जितनी बार उसको पोछा लगाओगे ना वो गंदा ही लगेगा। सो बस इसलिए मैंने मासी से कहा कि बस बर्तन धुल लेने के लिए और झाड़ू लगा देने के लिए ले रही हूँ चीनी एंड चाय पत्ती। अब तक देखती हूँ, बस गाइस मैं आज खाने में बनाने जा रही हूँ, क्योंकि घर उस दिन आते तो इलेक्ट्रिक वाला आते ना, तो फिर ना बहुत ज़्यादा काम हो जाता, तो मैंने सोचा सबसे पहले ना मैं सब्ज़ी चावल सब्ज़ी बना लेती हूँ, अदरवाइज ना सारा दिन मतलब टाइम ही नहीं मिल पाता कि मैं खाना बना पाऊँ। तो बस यहाँ पे ब्रोकली आ गई, तो ब्रोकली की मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। सो गाइस यहाँ पे बाबू कुछ बोल रहे थे तो मुझे हंसी आ रही थी, तो बस यहाँ पे मैं सब्जी काट ले रही हूँ और अब चलते हैं सब्जी बना लेते हैं। Thank you.
पे फ्राई करके निकाल लिया और कितना अच्छा लग रहा है ना, हरा हरा। तो गाइस एक तरफ हमने दूध चढ़ा दिया गर्म होने के लिए और एक तरफ हमने चावल चढ़ा दिया। वैसे जल्दी बन जाते हैं तो इसी वजह से हम चावल चढ़ा दिए यहाँ पे कि जल्दी से बन जाए। सो गाइस ये मॉर्निंग का क्लिप है और बस आप सबको गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे जब हम सो ही रहे थे तभी वो काम वाले आ गए थे, तो बस उठे और हम अपने लिए चाय, इन लोगों के लिए भी चाय बना दिए। फिर ये लोग चाय पी के और बस टेंटिंग पेंटिंग में लग चुके हैं। और यहाँ पे देख लीजिए, वैसे तो ब्लू कलर भी मुझे बहुत पसंद था बट मेरे हस्बैंड को चाहिए था कुछ ग्रीन, आई मीन की मतलब ग्रीन कलर उनको पसंद था, तो वो बोले कि इस ब्लू करवा चुके हैं ग्रीन करवा लेते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे ये जो ब्लू है वो ग्रीन करेंगे वो लोग। और बस सो के उठे सो मछलानी वगैरह कुछ खोले नहीं थे तो सब वेट में वैसे ही पड़ा था। और ये जब कलर कराने का जो होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा मुझे मतलब क्या बोलो, मुझे ना बहुत ये लगता है उलझन टाइप का लगता है, मतलब एक घर से सामान निकालो फिर दूसरे घर में डालो, तो ऐसे काम ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो बस यहाँ पे चल रहा है पेंटिंग का काम, यहाँ पे कर रहे हैं वो लोग और पूरे घर में ही कर रहे हैं। दो रूम है, किचन है, बाथरूम है और थोड़ा सा बरांडा है, स्पेस है, तो वहाँ पर भी कर दे रहे हैं। तो हम वैसे तो हम ग्रीन और ब्लू था बट अभी हम जो करवा रहे हैं ना पूरा का पूरा ही ग्रीन है। सो बस यहाँ अलमारी हटा के अलमारी के पीछे कलर भी करवा दिए जा रहे हैं और बस। सो गाइस जैसे जैसे काम हो मतलब एक रूम का होते जा रहा है ना, तो मैं सोच रही हूँ कि लगे हाथ काम भी करती चली जाओ, वैसे जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे मैं सारे किचन के जो भी डब्बे थे वो सब यहाँ पे ला के रख दी हूँ, सब धोना है मुझे, तो इस सब को मैं धो लेती हूँ और रैक को भी साफ कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। हमारा किचन पहले की जैसा रेडी हो चुका है, मतलब अच्छे से कर साफ़ कर लियो किचन को और बस ये कलर होने के बाद है। और देख लीजिए आप सब भी कलर काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, अभी सूखा नहीं है तो सूख जाने के बाद ज़्यादा खिलेगा। और यहाँ हम किचन को अच्छे से सजा लिए हैं, यहाँ पे पानी नहीं था, पानी वाले भैया को फ़ोन किए थे तो पानी में शाम को देने आएंगे। और बस यहाँ पे अलमारी जैसे जैसे साफ़ होता गया वैसे वैसे करती गई। बस शाम के 5 बजे नहाई हूँ, अभी जो आप देख रहे हैं ना तो मैं बस नहा के आई हूँ, काफ़ी ज़्यादा ठंडा लग रहा था तो मैं गर्म पानी से ही नहाई हूँ। और बस अब चलते हैं थोड़ा सा बाहर और आप लोगों को दिखाती हूँ पूरे घर को, मतलब पूरे घर को आप लोग देख लीजिए कि कैसा लग रहा है। अभी कहीं कहीं सूखे नहीं है, कहीं कहीं सूखे हैं, कहीं कहीं सूखे नहीं है, तो सूखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा बट बहुत खूबसूरत कलर लग रहा है मुझे। गाइस काफ़ी ज़्यादा ठंडा लग रहा है, मैं यहाँ पे कम्बल के नीचे बैठी हूँ, यहाँ बाबू सो रही है और बस। तो बाबू गए हैं दूध लेने के लिए, दूध लेके आते हैं तो चाय बनाती हूँ, बस मोमोस और फुचका खाने का मन है तो गए हैं बाबू लाने के लिए। और बस काफ़ी ज़्यादा ठंडा लग रहा है और आप लोग बताना कॉमेंट में, काफ़ी ज़्यादा घर अगर आप कलर करोगे तो बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाते हैं, नहीं तो सब उतने काम होते नहीं है, बहुत काम बढ़ जाते हैं। और बस दोनों सभी रूम में हुआ है, अभी तो घर अच्छे से उतना अच्छे से साफ़ नहीं की हूँ लेकिन हाँ
आराम से कर लूँगी बाद में, और अभी काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है तो पहले खा लेती हूँ फिर कुछ करती हूँ। सो आप लोग बताना मेरा ब्लॉग कैसा लगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को फर्स्ट वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।